90% लोगों के तो कैनल ही नहीं है, उनका सिर्फ यही है कि वो लोग घर पे होते हैं और सुबह अपना लैपटॉप खोला सुबह और बैठ जाते हैं और वहां से वो पपी सेल करना स्टार्ट करते हैं। उनका ट्रस्ट भी खत्म हो गया है और वो पूरे चैनल पे पूरे दिन बैठ के वो लोग अपने, उन्होंने यूट्यूब से मैंने सब देखा है, वहां पे उन्होंने चैनल अपने बनाए हुए और बड़े फॉलोअर्स हैं उनके और वो फालतू का ज्ञान बांट रहे होते हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो या तो कहीं से विकिपीडिया से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वहां से जाके बोल देते हैं, बाकी उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ब्रीड की, क्या बोल रहे हैं क्या उनको पता ही नहीं है कब होती क्या है ब्रीड, क्योंकि उन्होंने कभी डॉग तो रखे नहीं। बड़ी पेट गुड़गांव से अगेन मैं आपको अपनी एक नई ब्रीड दिखा देता हूँ, ये इस ब्रीड का नाम है डच शेफर्ड। बहुत कम लोग इंडिया में इस ब्रीड को ब्रीड कर रहे हैं डच शेफर्ड को, जिनमें से मैं भी एक हूँ, शायद दो या चार ही ब्रीडर होंगे जो इस ब्रीड को अभी प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि इस ब्रीड को खराब ना होने दिया जाए, तो कम ही हम इसको अभी ब्रीड कर रहे हैं, उतना बहुत ज्यादा ब्रीडिंग इसका नहीं चल रहा। मेरे पास ये चार फीमेल है डच शेफर्ड की, जिनमें मेरी एक फीमेल अभी कुछ दिन दो तीन दिन के बाद पप्स होने वाले हैं उसको, और दो फीमेल मेरी प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैंने वो तीनों फीमेल शो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आज एक ही फीमेल अपनी दिखाऊंगा, इस फीमेल का नाम है किस, ये बहुत ही प्यारी फीमेल है। अगर हम इस ब्रीड की बात करें तो ये बेल्जियम मेलनोआ से ही मिलती हुई ब्रीड है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बेल्जियम मेलनोआ और डच शेफर्ड में, बस इतना है कि इसका ये थोड़ा सा बॉडी वेट और मैं थोड़ी सी ज़्यादा होती है और साइज भी थोड़ा सा बड़ा है जो मेल का होता है बेल्जियम मेलनोआ। मेरा इस ब्रीड को लेके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये भी बहुत हाईली ट्रेंड ब्रीड है, बहुत एनर्जेटिक ब्रीड है और साथ के साथ बहुत प्यारी ब्रीड है, ऐसा कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है तो काटेगा या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, उसके बाद भी इस ब्रीड को मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ इस ब्रीड को। अगर आप इस ब्रीड को रखना चाहते हैं तो ये फार्म की गार्डिंग के लिए, हर्डिंग के लिए, बेसिकली जो इसका ओरिजिन है ये तो हॉलैंड से ये ब्रीड है और इसको जो वहाँ पे यूज़ किया जाता था वो हर्डिंग और गार्डिंग के लिए या फिर फार्म वगैरह पे प्रोटेक्शन के लिए, लोग इसको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते थे। इंडिया में अभी ये ब्रीड नहीं आई है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ही ये ब्रीड है, जो ब्रीड कर रहे हैं तो इंडिया के लिए बहुत नहीं है, ऐसा कोई अभी इसमें ब्रीडिंग नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग का भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस ब्रीड को लेके। मेरे एक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे यहीं पे दिल्ली में, उनके मेल से मैंने वो अपनी दोनों जो तीन फीमेल हैं वो ब्रीड की हुई हैं, मेल भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन का मेल है। अगर किसी को ये ब्रीड लेनी है तो फार्म और फार्म हाउसेज के लिए या फिर बड़े प्रेमिसेस के लिए, गार्डिंग के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, क्योंकि डिजीज़ फ्री है ये ब्रीड भी और स्टेबल है, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली ब्रीड नहीं है। बट हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा जैसे मैंने अभी बताया कि स्टेबल है, बट अगर आप इसको भी ब्रीड को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता, अगर आप फर्स्ट टाइम पेट ओनर हैं, फर्स्ट टाइम आपने कोई डॉग रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस ब्रीड को ना लें, बिकॉज इतनी ज़्यादा एनर्जी आप इसके साथ कैसे हैंडल कर पाओगे, क्योंकि ये उस तरह का डॉग नहीं है कि आप लाए और इसको आपने लीज से बांध के रख दिया और कहीं पे या ऐसे एक केज में डाल दिया, ये उस तरह के डॉग नहीं है। आपको अगर आप इसको रखोगे तो आपको इसके साथ ट्रेनिंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज इनको नीड होती है, आप बहुत ज़्यादा नहीं इसे दे सकते मगर एक्सरसाइज की नीड है, तो नॉर्मल डॉग्स के लिए, पेट होम के लिए ये ब्रीड नहीं है, घर में तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते इस ब्रीड को, ठीक है। और अगर हम देखें कि दूसरे डॉग से अगर इसको कंपेयर करें तो दूसरे डॉग में इसमें ये फ़र्क है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और डिजीज़ फ्री है, स्ट्रांग डॉग है, तो फार्म वगैरह पे ज़्यादा सूट करता है, बाहर की फोर्सेस भी इसको सिक्योरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रही हैं, जैसे हॉलैंड में पुलिस डॉग में काफ़ी यूज़ होती है ये ब्रीड। मैं जैसे अभी अपना कैनल रन करता हूँ, मैं भी मोस्टली बाहर ही होता हूँ, मैं यहाँ पे कम ही रहता हूँ, बहुत कम टाइम मेरा यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, बट मैं जैसे फ्री टाइम मेरे पास होता है तो मैं यूट्यूब से कई बार देखता रहता हूँ, क्योंकि एनिमल्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं डॉग्स को, तो मैं बहुत सारे कैनल मैंने ऐसे देखे हैं जिनके कैनल में अपना एक डॉग नहीं होता है, वो ब्रोकर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ बट मैं बोल देता हूँ वो ब्रोकर है और उनके पास अपना एक डॉग भी नहीं है और वर्किंग डॉग के बारे में वो इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहे होते हैं जो कई बार हमें देख के हंसी आ जाती है और दुख भी होता है कि यार आपके पास कोई डॉग नहीं है और आप जो है ज्ञान बांट रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने भी एक बार ऐसी कॉल कर लिया था तो मैंने पूछा जी आपके पास वर्किंग डॉग है कि हाँ जी है,
मैंने पूछा ठीक है आप मुझे वीडियो शेयर करो, तो सबसे पहले लोग पैसे ले लेते हैं, और क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या वर्किंग शेफर्ड, क्या डच, क्या मेलानोआ होते हैं। मेलानोआ तो चलो काफी टाइम से यहाँ पे ब्रीड हो रहे हैं, लोगों को पता भी अभी लग गया है, बाकी वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड, डच शेफर्ड, स्विस शेफर्ड के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इस ब्रीड को खराब कर दिया है बिल्कुल, जो वर्किंग शेफर्ड है लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो गया है, और वो पूरे चैनल पे पूरे दिन बैठ के वो लोग अपने, उन्होंने यूट्यूब से मैंने सब देखा है, वहाँ पे उन्होंने चैनल अपने बनाए हुए हैं और बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, और वो फालतू का ज्ञान बांट रहे होते हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो या तो कहीं से विकिपीडिया से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वहां से जाके बोल देते हैं, बाकी उन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ब्रीड की, क्या बोल रहे हैं, क्या उनको पता ही नहीं है होती क्या है ब्रीड, क्योंकि उन्होंने कभी डॉग तो रखे नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके कैनल में आप बोलो कि आपके कैनल में कभी डॉग है, तो उनके कैनलों में डॉग है ही नहीं, उन्होंने कभी डॉग रखे ही नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रोकर है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज बिल्कुल नहीं है उन लोगों को कि डॉग एक्चुअल में होता क्या है। उन्होंने जो बुक में पढ़ा, किताब में पढ़ा, या विकिपीडिया पे कहीं पे पढ़ लिया, जितना उनको पता है बस वो उतना ही बोल देते हैं, प्रैक्टिकल तो उनको पता ही नहीं एक्चुअली बिहेवियर कैसा होता है, बस जो किताब में लिखा हुआ है ये बिहेवियर होता है। मैंने कई बार देखा है कि जो हम पढ़ते हैं बुक्स में या कहीं पे हम विकिपीडिया पे ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं, कई बार डॉग हमारे पास आते हैं बट बड़े डिफरेंट टाइप के बिहेवियर उनके होते हैं। जैसे ये मेरी एक बिच है, बड़ी प्यारी है, पहले मैं नाम से भी डरता था, अगर देखो कि वर्किंग में डच शेफर्ड बड़ा एक वैसा नाम लगता है यार, क्या होगा ये कुत्ता, दिखने में भी जैसा इसका ब्रिंडल कलर है तो देख के भी लगता है यार क्या, ये दिखने में भी थोड़े से ऐसे लगते हैं कि ये अभी काट लेंगे, बट ये बड़ी प्यारी ब्रीड है, लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं, लोगों के माइंड में ऐसी चीजें बन जाती हैं कि यार ये तो ऐसा होगा, बट ये बहुत प्यारी ब्रीड है। और मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने कभी भी डॉग लेने हो तो ये जो ब्रोकर बैठे हैं इंडिया में, बहुत लोग ऐसे ब्रोकर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, आप इनसे इस तरह से डॉग ना खरीदें। आपको कभी भी डॉग लेना है तो आप सबसे पहले जो जेन्युइन ब्रीडर्स हैं उनसे बात करें, अगर आप ठीक है आपको भी पता नहीं है जेन्युइन कौन है, बट आप अगर कभी ब्रीड डॉग ले रहे हो तो आप एक लाइफ का ना एक फैमिली मेंबर ले रहे होते हो अपने लिए, ऐसा नहीं है कि आज आप डॉग लेके आए और आपने उसको कल कहीं पे छोड़ दिया या रख दिया, आपके एक वो फैमिली मेंबर होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि थोड़ा सा टाइम दें, उसके मदर फादर को देखें पपीज के जाके, एक्चुअल में देखें जिस कैनल में जहां से हम, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं क्या उनके पास डॉग है। जैसे लोग बेचारे बहुत दूर बैठे हैं, अगर कोई बिहार में बैठा और उसने पंजाब में डॉग लेने, तो वहां पे अगर कोई उनका ट्रस्टेड बंदा है तो वो उधर, अगर पंजाब में है तो उधर भेजें, लोगों को पता तो लगे, या इधर हरियाणा में या फिर दिल्ली में, जैसे मैं उधर मोस्टली टाइम मेरा पंजाब में निकलता है, मैं पंजाब ही ज्यादा रहता हूं, तो आप उधर अपने ट्रस्टेड बंदों को बोलें कि भाई देखें इस कैनल में पपीज हैं या नहीं है, क्योंकि आपको अगर कोई अभी डच शेफर्ड कह के कोई बच्चा दे दे और वो बाद में कुछ और निकलता, तो वो इमेज बहुत ज्यादा जो अच्छे ब्रीडर्स हैं उनकी भी खराब हो जाती है। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कभी भी डॉग लें तो सबसे पहले ब्रीडर को देखें, उसके बारे में पढ़ें कहीं से, या फिर अपने जो वहां पे लोग हैं किसी को भेजें कि भाई आप अपना दिखाओ, या फिर अभी तो बहुत अच्छा हो गया कि डायरेक्ट आप वीडियो कॉल करके भी डॉग्स देख सकते हो, फोन पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि वीडियो कॉल करके भी आप डॉग देख सकते हो कि जी आपके पास कैनल है भी या नहीं, क्योंकि 90% लोगों के तो कैनल ही नहीं है, उनका सिर्फ यही है कि वो लोग घर पे होते हैं और सुबह अपना लैपटॉप खोला सुबह और बैठ जाते हैं और वहां से वो पपी सेल करना स्टार्ट, कैनल नहीं है, कुछ नहीं है उन लोगों के पास, इधर उधर से पप्स लिए और वो बस फ्री कि ये हमारा कैनल है, हमारे कैनल का पपीज है, क्योंकि कैनल वो कभी दिखाते हैं, है ही नहीं उनका कैनल, वो दिखाएंगे भी तो किसी और का दिखा देंगे, कुछ नहीं। बट मैं बस यही कहूंगा कि आपने लेना है तो किसी जेन्युइन ब्रीडर से आप पप्स लें, और ये ब्रीड आप तभी लें तब आप इस ब्रीड को रखने के लिए पूरे प्रिपेयर हों, ऐसे ना लें। मैं कई बार और भी देखता हूँ, मेरे भी वीडियोस या मेरे डॉग्स के फोटो इधर उधर से लेके, फेसबुक से लेके लोग अपने पपीज बोल के बेचते हैं, तो आप इस तरह से ना करें। अच्छी ब्रीड, मेरी कोशिश यही है, मैं इस तरह का बोलना नहीं चाहता हूँ कभी भी, बट मेरी कोशिश यही है कि ब्रीड खराब ना हो, इसलिए आज मुझे इस तरह से बोलना पड़ा। इससे पहले भी मेरे वीडियोज आपको मिलेंगे सर के चैनल पे, मैं कभी इस तरह का नहीं बोलता हूँ, बट कोशिश यही रहती है कि अच्छी ब्रीड लोगों को मिले, अच्छे डॉग्स लोगों को मिले, एटलीस्ट जो ब्रीड है वो तो मिले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, डच शेफर्ड आपने मेरे कैनल में देखा, ये मेरे पास 4 बिचेज हैं, अभी मेरा प्लानिंग चल रही है मेल लाने का भी, तो मेल अभी है नहीं मेरे पास, बट मेरे फ्रेंड के पास अभी है जहाँ से मैंने ब्रीड की है वो बिच, और आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, जो मेरा मोबाइल नंबर है, फेसबुक लिंक है, आपको वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। ये जो अभी आपने फीमेल देखा है डच शेफर्ड, ये उसी ब्रीड के पप्स हैं डच शेफर्ड, और आप जैसे मैंने वीडियो में बताया था कलर के लिए कि ये एक ही कलर में एक ही वेरियंट में आते हैं, बट इसमें थोड़ा डार्क या फिर लाइट हो सकता है। अभी आप जैसे दोनों बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं, एक पपी इसमें थोड़ा सा लाइट कलर का है और एक थोड़ा डार्क कलर का है, आप देखिए इसको, तो ये इसी टाइप के कलर में ज़्यादा आते हैं डच शेफर्ड।
और आप इनकी एनर्जी और सब कुछ आप अभी से देख सकते हो, ये अभी से इनका खेलना उछलना कूदना स्टार्ट हो गया है और ये रुकते नहीं है अभी से। अभी छोटे हैं, वैक्सीन भी नहीं हुआ, अभी इनका फर्स्ट वैक्सीन भी नहीं हुआ है इन बच्चों का, तो अभी तो ये बहुत छोटे पप्स हैं। और डच शेफर्ड जैसे बेल्जियन मेलिनोआज के पप्स हैं, वैसे ही ये भी उसी तरह की ड्राइव और एनर्जी के साथ होते हैं, बड़े हाई ड्राइव पप्स होते हैं ये भी। ये भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप लोग डच शेफर्ड रखना चाहते हैं तो आप तभी रखें इसको, तब आप इसके साथ भी मेलिनोआ की तरह या फिर और जो वर्किंग ब्रीड्स हैं उनकी तरह इनको भी काम कर सकें, क्योंकि ये तो मेलिनोआ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये पप्स, और ये ब्रीड उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको ज़्यादा और ज़्यादा एक्सरसाइज की नीड है मेलिनोआ से भी। तो अगर आपको डच शेफर्ड रखना है तो आप फिर इनके साथ इनको थोड़ा टाइम दें, इनको भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई लीज में बांध के रख दिया या घर में रख दिया, आप इनके साथ कोई टाइम नहीं दे रहे हैं और आप फिर ये सोचें कि ये फिर आपको बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इनको टाइम नहीं दोगे तो फिर ये थोड़े से एग्रेसिव और ये हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है उसको कहीं तो डाइवर्ट करेंगे, जैसे अभी इनको खेलना और ये सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं इनकी सारी पूरा बिल्कुल, अभी इतने छोटे पप्स, क्योंकि अभी इनका फर्स्ट वैक्सीन भी 4-5 दिन के बाद होगा, अभी काफ़ी छोटे पप्स हैं ये। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और जो आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी डच के लिए, और आपका और भी किसी तरह की मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डच शेफर्ड के बारे में, या कोई भी इंक्वायरी आपकी होती है या कोई कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और फेसबुक पे मेरा बडी पेट गुड़गांव के नाम से पेज है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।